मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम मूसा के तंबू में प्रभु यीशु मसीह का प्रगटीकरण देख रहे हैं। और मैंने पहले बताया था कि वो सात आर्टिकल कैसे प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करते हैं, और हम उसका एक एक करके एक एक आर्टिकल जो है बहुत डिटेल में नहीं लेकिन संक्षेप में मैं चाहता हूँ इस बिंदु पर कायम रह करके कि वो प्रभु यीशु मसीह को कैसे प्रकट करता है। मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको जो है बाइबल के इस अध्ययन के द्वारा बहुत सारी आशीषें मिले, आप धन्यवाद से भरे रहें कि प्रभु ने हमें जो है हमारी अयोग्यताओं के बावजूद, हमारे निकम्मेपन के बावजूद अपनी दया के अंतर्गत रखा, अपने प्रेम के द्वारा हमें जो है अपना बेटा बेटी बनाया। और जो हिस्सा यहाँ पाया जाता है मैं जल्दी से पढ़ रहा हूँ। आज हम देखेंगे बाहरी आंगन में वेदी, वेदी और जिसका वर्णन जो है निर्गमन की पुस्तक 27वां अध्याय, और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। वहां प्रभु बोलते हैं मूसा से, फिर वेदी को बबूल की लकड़ी की 5 हाथ लंबी और 5 हाथ चौड़ी बनवाना। वेदी चौकोर हो और उसकी ऊंचाई 3 हाथ की हो, और उसके चारों कोनों पर 4 सिंह बनवाना। वे उस समेत एक ही टुकड़े के हो और उसे पीतल से मंडवाना, और उसकी राख उठाने के पात्र और फावड़ियां और कटोरे और कांटे और अंगठियां बनवाना। उसका कुल सामान पीतल का बनवाना, और उसके पीतल की जाली एक झंझरी बनवाना, और उसके चारों सिरों में पीतल के 4 कड़े लगवाना, और उस झंझरी को वेदी के चारों ओर की कंगनी के नीचे ऐसे लगवाना कि वह वेदी की ऊंचाई के मध्य तक पहुंचे, और वेदी के लिए बबूल की लकड़ी के डंडे बनवाना और उन्हें पीतल से मढ़वाना, और डंडे कड़ों में डाले जाएं कि जब जब वेदी उठाई जाए तब वे उसकी दोनों अलंगों पर रहें। वेदी को तख्तों से खोखली बनवाना, जैसी वह इस पर्वत पर तुझे दिखाई गई है वैसी ही बनाई जाए। एक और महत्वपूर्ण चीज परमेश्वर ने कहा, जैसी तुझे इस पर्वत पर दिखाई गई है वैसी बना, वैसी ही बनाई जाए। मतलब परमेश्वर के राज्य में मूसा के तंबू की सब चीजें पहले से विद्यमान है, और मूसा को कहा गया है इसकी नकल कहां बनवाना है, पृथ्वी पर। और जिसका वर्णन इसकी वास्तविकता प्रकाशित वाक्य के 11वें अध्याय में, कि मैंने वाचा का संदूक परमेश्वर के स्वर्ग में देखा, यूहन्ना बोलता है, मैंने वाचा का संदूक परमेश्वर के स्वर्ग में देखा। मूसा को पहले से बताया गया और कहा गया है कि इसकी नकल पृथ्वी पर करना, इसकी नकल पृथ्वी पर करना। और ये पीतल की वेदी प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को प्रकट करती। जो आम आदमी आता था वो बैल बकरे बछड़े ये लेकर के आता था, और उसको जो है बलिदान करके उसके मांस को इस पे चढ़ाया जाता है, इस वेदी पर। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपना स्वयं का बलिदान, अपना स्वयं का बलिदान लेकर के हमारे लिए, हमारे लिए बलि हुआ। ये वेदी प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को बताती है। कितनी महत्वपूर्ण बात, कितनी महत्वपूर्ण बात। ये शायद उस समय के लोगों को समझ में ना आ रही हो, लेकिन आज प्रभु ने हम पर इसलिए प्रकट करी कि हम उसके रहस्यों को जान पाए। हम बहुत विद्यमान है, बुद्धिमान है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। प्रभु ने अपनी दया हम पर करी कि हम प्रभु के इन रहस्यों को समझने पाए और प्रभु को धन्यवाद देने पाए। सो आए मेरे साथ और डिटेल में चले। और जैसा हमने देखा कि प्रभु ने कहा कि जैसा मैंने तुझे बताया है इस पहाड़ पर वैसे ही बनाना, मतलब प्रभु के पास तो ऑलरेडी
ये निर्मित थे, इसीलिए मूसा के तंबू की जो प्लानिंग है वो आकस्मिक इमीडिएट है ऐसा नहीं, ये पृथ्वी के बनने से पहले परमेश्वर के द्वारा डिसाइडेड है। इसलिए बहुत सारी चीजें, न सिर्फ एक, अब्राहम को कहा 400 साल बाद तेरे लोग इस जगह से आजाद होंगे, 400 साल के गुलामी। अब्राहम के पहले नूह के द्वारा परमेश्वर ने बताया कि देखो पृथ्वी का अंत ऐसा होगा, मिलेनियम किंगडम ऐसा होगा। प्रभु जो है पृथ्वी बनने के पहले और पृथ्वी के बाद तक रहने वाले, इसीलिए प्रभु ने कहा कि ये वेदी जो है पीतल की होगी और ये बाहरी आंगन में होगी और इसे सेक्रिफाइस या जो बलिदान होंगे वो बलिदान 5 हाथ लंबी 5 हाथ चौड़ी और चौकोर होगी, 3 फीट 3 इसकी हाइट होगी और इसमें जाली रहेगी और वो जाली इसके बीच तक आएगी, बीच में लकड़ी और इसके दोनों तरफ पीतल और ये जाली बीच में रखना, नीचे से आग लगाई जाएगी और जो राख है वो नीचे से कलेक्ट किया जाएगा और ये जब भी उठाई जाएगी तो 4 आंकड़े 2 इस तरफ 2 उस तरफ और इसमें ये बबुल की लकड़ी में पीतल पिरोया जाएगा और जब भी उठाने का काम होगा ऐसा होगा। ये जाली जो है बीच में आएगी और प्रभु ने कहा इसका, जैसे मैं यहां ये नहीं बता रहा हूं कि इसकी लंबाई चौड़ाई ये लकड़ी ये पीतल ये सब क्या बताते हैं, मैं सिर्फ यहां ये बताना चाहता हूं कि इस पर बलिदान चढ़ाए जाते थे, बलिदान चढ़ाए और ये हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रगटीकरण था कि हमारा प्रभु वो भेड़ बकरों के बलिदान के लिए नहीं, वो खुद को अपना शरीर उस क्रूस पर बलिदान करेगा और हमारे लिए वो उसका लहू बहाया जाएगा, उसके लहू से हम छुटकारा पाएंगे। ये परमेश्वर की भव्य योजना, परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद देते। और प्रभु के बलिदान के बाद इन वेदियों पर बलिदान चढ़ाना बंद हो गया और देखें पिछले 2000 साल से कलीसिया चर्च बलिदान नहीं चढ़ाती जो है। देखें यहां पर ये जो वेदी थी प्रभु के लहू के बारे में बताते और जो ये पीतल का जल का झरना या कटोरा जैसा था बड़ा सा, ये पानी को बताता है और ये दोनों देखें क्रूस पर जब प्रभु यीशु मसीह मरे तो उस सूबेदार ने प्रभु के पंजर में भाला भेदा और क्या निकला, लहू और पानी। वेदी क्या बताती थी, लहू को, और पानी क्या बताता था, इसको। और देखें ये पानी बपतिस्मे का भी प्रतीक थी जो हमें अपने पापों से छुटकारा देती थी, वाटर बैप्टिज्म इस पाप से छुटकारे के बाद ही पवित्र स्थान में प्रवेश है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो विश्वास करेगा वो जीवन पाएगा और उसे पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना, ये बाहरी वेदी। और जो ये वेदी थी इन 7 आर्टिकल में इसकी साइज सबसे बड़ी थी और बीच का हिस्सा लकड़ी का बबूल की लकड़ी का और उसके दोनों तरफ जो है पीतल मढ़ा हुआ। सो ये लकड़ी जो है पुनरुत्थान को बताती थी और बाहरी और आंतरिक रीति से जो कवर है पिता पुत्र और पवित्र आत्मा को बताते थे और उसके जो ये 4 कोनों पर 4
सिंह जैसा हिस्सा था, ये चार जो है चारों दिशाओं को बताता था, सिक्योरिटी को बताता था। और प्रभु ये कि जो कोई भी प्रभु पे भरोसा करेगा, प्रभु उसे जीवन देंगे, प्रभु उसे जीवन देंगे। और ये वेदी जो है बलिदान का प्रतीक तो थी, क्रूस का प्रतीक थी। और पहली स्टेप थी पाप से छुटकारे की, पाप से छुटकारे की। और प्रभु यीशु मसीह वो वध किया हुआ मेमना जो हमारे लिए वध किया गया, ये पहला हिस्सा था जहां हम पाप से छुटकारा पा सकते थे, अपने आप का इनकार करके फिर पवित्र स्थान में, फिर पवित्र स्थान में प्रवेश करें। सो ये वेदी के साइज 5 हाथ और ऊंचाई 3 हाथ, और जो जाली थी वो मध्य तक पहुंचती थी। ये दो दो रिंग इस तरफ और इसमें ये डंडे जो थे कि जब इधर से उधर शिफ्ट करें तो इन डंडों को द्वारा जो है उठाया जाए और शिफ्ट किया जाए। और ये जो मेटल था वो बाहरी आंगन का प्रतीक था, बाहरी आंगन का प्रतीक था। और जैसा मैंने बताया कि उसके अंदर जो लकड़ी थी वो बबूल की, जो पुनरुत्थान को, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को प्रकट करती थी। और उसके ऊपर जो पीतल था वो पीतल सामर्थ को प्रकट करता था। ये वो वेदी जो सेक्रीफाइस का, बलिदान का प्रतीक थी। ये प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को प्रकट कर रही थी। बाहरी रीति से ये क्रूस का प्रतीक थी, ये क्रूस का प्रतीक थी। और यहां से आग उठाई देती थी और प्रभु के बादल का खंभा दिन में और रात में अग्नि का खंभा, यहां पर 40 साल तक ये पोजीशन बनी रही, 40 साल तक ये पोजीशन बनी रही। और हमने देखा कि ये कैसे जो है वो छुटकारे का प्रतीक, पहला हिस्सा जो है हमें अपने पापों से छुटकारे देने के लिए कोई बलिदान हुआ। और ये पीतल जजमेंट का प्रतीक भी, और अल्टर मतलब लिफ्ट अप हाई और असेंडिंग स्लॉटर प्लेस, ये वो वेदी। और जो है मूसा के बाद में जब सुलेमान ने वो वेदी बनाई तो करीब 7.5 फीट लंबी थी और 4.5 फीट ऊंची थी। सो सुलेमान के मंदिर में इस वेदी की साइज बढ़ा दी गई थी, 7.5 फीट इंटू 7.5 और ऊंचाई 4.5 हाथ। सो ये वो साइज थी। और जो हमने देखा के याचकों के द्वारा जो बलिदान थे उनके खाल उतार के उनके मांस को यहां चढ़ाया जाता, और वो जो लहू होता उसको यहां पर इन कॉर्नर पे छिड़का जाता और इस सिंह पर भी लगाया जाता, और लहू का कुछ हिस्सा लेकर के अंदर पवित्र स्थान में जाया जाता। ये काम सब याजक करते, और पवित्र स्थान में वो महायाजक बाहर खड़े हुए व्यक्ति के लिए दुआ करता और उसके पाप क्षमा होते, उसके पाप क्षमा होते। और देखिए ये वेदी किसको प्रकट करती है, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को प्रकट करती है, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को प्रकट करती है। प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे बाप दादों ने मन्ना खाया और फिर भी मर गए, मैं अपना देह तुम्हारे लिए दे जाता हूं, अपना रक्त तुम्हारे लिए दिए जाता हूं। और जैसा हमने देखा कि जो है 3 चीजों से हमें छुटकारा, पाप से छुटकारा,
हमारे व्यक्तिगत घमंड से छुटकारा और हमारे पृथ्वी के जीवन से हमें छुटकारा। यहां पर लहू महत्वपूर्ण रोल अदा करता और प्रभु जो है ये आत्मिक ब्याह के बारे में जिसका वर्णन 20वें अध्याय में 19वें और 20वें अध्याय में जो है पाया जाता 19 20 21 अध्याय प्रकाशित वाक्य के वहां पर इसका वर्णन जो है। और ये वेदी फॉरगिवनेस जस्टिफिकेशन रीजनरेशन और एडॉप्टेशन ये चार चीज को प्रकट करती थी। ये जो है प्रभु यीशु मसीह के बारे में ये बताती थी कि प्रभु यीशु मसीह हमारा परफेक्ट सेक्रीफाइस है, परफेक्ट सेक्रीफाइस है, उसमें कोई कमी नहीं, कोई घटी नहीं। जो ये बलिदान याजक लोग चढ़ाते थे, सबसे पहले जब एंट्री करते थे तो स्वयं के लिए सुबह में एक बलिदान और शाम को एक बलिदान, मतलब ये बलिदान ये लहू इनको 12 घंटे तक पवित्र रखता था, 12 घंटे बाद फिर से चढ़ाए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का बलिदान हमें युगों तक अनंत काल तक जो है पवित्र बनाए रखता है। इसीलिए प्रकाशित वाक्य के 5वें अध्याय में जब पिता के हाथ में जो पुस्तक थी तो एक स्वर्गदूत ने कहा स्वर्ग में और पृथ्वी पर कौन इस पुस्तक को लेने और इसकी मोहर तोड़ने के योग्य है, एक भी व्यक्ति न स्वर्ग में न पृथ्वी पर मिला। यहूदा बोलता मैं रोने लगा, तब एक स्वर्गदूत ने कहा मत रो, देख यहूदा का मूल जो दाऊद का सिंह है वह इस पुस्तक को लेने और इसकी मोहर खोलने के योग्य है। वध किया हुआ मेमना, वध किया हुआ मेमना इसके योग्य है। और वध किया हुआ मेमना कौन? प्रभु यीशु मसीह। न स्वर्ग में ऐसा कोई परफेक्ट, न पृथ्वी पर ऐसा कोई परफेक्ट, सिवाय प्रभु यीशु मसीह, सिवाय प्रभु यीशु मसीह। सो परमेश्वर जो है अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ में अपने स्वरों को। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, आप हमारे ऐसे परफेक्ट सेक्रीफाइस कि जिसके बलिदान से जो सारा संसार आज भी छुटकारा पा रहा है अपने पापों से, अपने स्वयं के शारीरिक जीवन से, और प्रभु आप उन्हें अनंत जीवन प्रदान कर रहे हैं। न स्वर्ग में न पृथ्वी पर आप जैसा बलिदान किसी और ने नहीं दिया, चाहे वो बाइबल के हीरो ही क्यों ना, लेकिन छुटकारा सिर्फ आप में और आप में और आपके लहू के द्वारा। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके इस बलिदान के लिए जिसका प्रगटीकरण आपने उस बाहरी आंगन में इस वेदी के द्वारा मूसा के समय में प्रकट किया, और जब उचित समय आया तो आपने इसे प्रत्यक्ष अक्षर से अक्षर पूरा किया। सारा महिमा आदर गौरव आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। शमा इस्राएल याहवे एलोहेनु याहवे Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.